अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, जो फॉइल पेपर में बनता है। इसके लिए मैंने ये चिकन के लिया है, डेढ़ किलो के करीब है, 1.5 किलो चिकन है। और इसको मैंने ऐसे कट्स लगा के और इसको नमक और सिरका लगा के धो लिया है। ये वाश हो गया है। अब मैंने इसको ऑयल मैंने ऊपर गर्म रखा हुआ है, इसमें ऑयल मैंने ये रखा हुआ है गर्म। अब मैं इसको सारा फ्राई करूँगी और फ्राई करने लगी। अब इसमें इसको ऐड करूंगी, ये देखिए नमक और सिरके। अब ये दो दो तीन तीन पीस डाल के खुला खुला इसको फ्राई करूंगी। अब मैं फिर आप जब ये फ्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, गोल्डन करना है मैंने। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, ये वाला कलर इसको देना है। अब इसकी जो मैरिनेशन होगी वो भी देते हैं आप। 1 कप दही ये इसमें डाल देते हैं। एक चुटकी जरदा रंग, एक चुटकी के करीब है, आप देख रहे हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, नमक और सिरका पानी में डाल के उसको धोने से पहले भी मैंने लगाया था। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून दादर लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें जाएगा। और ये इमली का पानी जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे, ये कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून है। ये 1.5 किलो जो चिकन के पीस हैं उनका बना रही हूँ मैं। और ये इसके साबुत मसाले हैं, इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, जायफल जलबित्री है और 2-3 लौंग हैं। इसको पीस लेंगे और फिर ये सारा मसाला पीस के इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं इसको पीसती हूँ मिक्सी में और फिर इसमें ऐड करूँगी। और इसको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखें, ये मिक्सी में हो गया, कम से कम 2 टेबल स्पून मसाला है साबुत गरम, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो चिकन है जब ठंडा हो जाए तो इसको इसके ऊपर इसमें मैरिनेट कर देंगे। और मैरिनेट करके इसको कम से कम 1 घंटा इसमें पड़ा रहने देंगे। ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर इसको फॉइल पेपर में कैसे कवर करना है। ये देखें, ये चिकन मैरिनेट किया करके रखा हुआ था, 2 घंटे हो गया। अब इनको फॉइल पेपर में मैं डाल रही हूँ। जो इसमें मैरिनेशन का जो मसाला है वो इसके ऊपर ऐसे डाल के इसको भी मैं आपके सामने करूँगी कवर। ये देखिए, फ्रेंड्स, ये वो वाला बन रहा है जो शादियों पे अक्सर फॉइल चिकन फॉइल बनता है, ये उसकी रेसिपी है। अब आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा काइंडली, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, अच्छे से इसको रैप अप करती है अच्छे तरीके से। अब ये देखें, इसमें सारे साबुत मसाले और ये नींबू डाल दिया पतीले में। अब ये पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि आग जला दी है, पानी डाल दिए। अब इसके ऊपर वो इसका सांचा रखूंगी। ये देखें, इसको ऐसे इसमें एडजस्ट कर देना।
अब इसके ऊपर ये जो चिकन के मैरिनेटेड चिकन जो फाइल में बनती है वो रखेंगे। इसको आधे घंटे के लिए रख के भूल जाएंगे। पहले फ्लेम तेज रखेंगे फिर उसका लो कर देंगे आधे घंटे के लिए। इसके ऊपर कोई वजन रख देती हूँ मैं, कोई भी। इसके ऊपर कोई भारी चीज रखूंगी ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। अब जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, अब इसको 30 मिनट हो चुके हैं, 30-35 मिनट मैंने इसको रखा है स्टीम पे। ये ऊपर जो इसका रखा है ये उठाऊंगी, ये अभी बहुत गर्म है। अभी मैं एक पीस उठाती हूँ और आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर तक टेंडर हुआ हुआ है और बिल्कुल गल चुका है, अभी गर्म है। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत टेस्टी होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी वाली रेसिपी है ये। अल्लाह हाफिज़।